गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉलर गर्ल और मैं हूं कामशा। अगर आप सबसे पहली बार ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, ये चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ग्लूटाथायोन क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ग्लूटाथायोन आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है। तो गाइस मुझे ग्लूटाथायोन लेते हुए अभी करीब 1 साल हो गया है और मुझे इससे कोई भी खराब रिजल्ट या फिर किसी भी टाइप का हेल्थ इश्यू फेस नहीं करना पड़ा। सिर्फ इसे लेते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में अगेन ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि हो सकता है आपने से कुछ लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि ग्लूटाथायोन लेते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लूटाथायोन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए आपने मार्केट में देखा होगा कि ग्लूटाथायोन बिल्डर करके भी सप्लीमेंट्स हैं। ग्लूटाथायोन जो बिल्डर होते हैं वो एक्चुअली सप्लीमेंट्स नहीं होते, वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स अपने प्रोडक्ट में पैक करके रखते हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरल ग्लूटाथायोन बनाने में हेल्प करते हैं। ज्यादा जल्दी और इजी तरीके से आपकी बॉडी उन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस कर सकती है। अब मैं बताना चाहूंगी आपको ग्लूटाथायोन क्या करता है। आपको सिर्फ ये पता होगा कि ग्लूटाथायोन आपके कलर को चेंज कर सकता है, बट गाइस ग्लूटाथायोन का जो काम है वो सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि जो चीज आपके कलर को चेंज कर सकती है अगर आप ये सुनेंगे तो वो चीज आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन ग्लूटाथायोन आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे आपका विटामिन सी होता है उसी तरीके से, लेकिन ये आपकी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, उसके प्रोडक्शन को लिमिट कर सकता है। इसके साथ साथ ये मेलानिन के ट्रांसफर को भी ब्लॉक कर सकता है। ट्रांसफर को ब्लॉक करने का मतलब ये है कि मान लो आपको कहीं पे भी ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो जो पिगमेंटेड सेल है वो उसी जगह पे रहेंगे, वो फैलेंगे नहीं। तो कभी कभी ये भी होता है क्योंकि पिगमेंटेशन जो है वो भी पिगमेंटेड सेल की वजह से है, और सेल जो है वो लिविंग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या करता है, पिगमेंटेड सेल्स को भी ट्रांसफर होने से रोकता है और ये मेलानिन के कलर को लाइट पिगमेंट में भी चेंज करता है। इसी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंसिस्टेंटली ग्लूटाथायोन लेते हैं तो आपको अपने स्किन के कलर में भी चेंज देखने के लिए, इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, इवन मेरे केस में भी, मैं पिछले 1 साल से ग्लूटाथायोन ले रही हूँ और मैंने एक्चुअली पर्सनली ये फील किया है, ग्लूटाथायोन लेने से मेरी जो स्किन है उसका टेक्सचर इम्प्रूव हो गया है, मेरी जो स्किन है वो हेल्दी लुकिंग लगने लगी है, हाइड्रेशन वगैरह भी मैंने देखा है कि मेरी स्किन में बढ़ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है और सबसे मेजर जो मुझे इससे फायदा हुआ है वो है एक्ने की फ्रिक्वेंसी। ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट मैंने जब से लेना शुरू किया है मेरे एक्ने की फ्रिक्वेंसी मैंने ऑब्जर्व की है बहुत कम हो गई है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको कौन सा ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट लेना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं। तो ये सप्लीमेंट भी आप सिर्फ तब ले सकते हैं अगर आप 18+ है। अगेन मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, सबसे पहले अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आप ओजीवा की स्किन विटामिन को एक चांस दे सकते हैं। इसके प्रिस्क्राइब डोज के अकॉर्डिंग आपको एक दिन में इसके 2 कैप्सूल कंज्यूम करने हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 2 कैप्सूल इसके नहीं लेने हैं, आपको इसका सिर्फ 1 कैप्सूल लेना है। स्टार्टिंग में आप इन कैप्सूल को इवनिंग में लीजिए, ना ही तो मॉर्निंग में और ना ही तो बिफोर बेड, इवनिंग में लीजिए अपने मील्स के बीच में, और वो भी सिर्फ 1 कैप्सूल और 1 दिन का गैप लीजिए, यानी कि स्टार्टिंग में आपको 1 दिन छोड़ के इसका 1 कैप्सूल लेना है। हो सकता है ऐसा करने के बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत एक्ने की प्रॉब्लम हो, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन हुई तो, जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है तब भी हो, लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है जब भी आप कोई भी नया
इंग्रेडिएंट या फिर कोई भी नया सप्लीमेंट या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट अपनी डाइट में ऐड करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप सेम टाइम पे इसका एक कैप्सूल डेली लेना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि ये चीज आपकी बॉडी में रोज रोज आ रही है। ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको नहीं लेना है, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तब भी आपको नहीं लेना है, अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी हैं तभी आपको इस सप्लीमेंट को लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ओके, तो ये हो गया पहला स्टेप। आप सबसे पहले स्किन विटामिन लीजिए, उसके बाद अगर आप इसकी डोज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसी के ही दो कैप्सूल लेना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप इनका ग्लूटाथायोन बिल्डर भी लेना कंसीडर कर सकते हैं। इन दो सप्लीमेंट को आप एक साथ ले सकते हैं। ये जो स्किन विटामिन है इसमें आपको तीन टाइप के ब्लेंड मिलते हैं, पहला स्किन हाइड्रेशन ब्लेंड, दूसरा इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड मिल रहा है, और तीसरा इसमें आपको ग्लूटाथायोन बिल्डर ब्लेंड मिल रहा है। तो ये तीन तरीके से आपकी स्किन की हेल्प करते हैं। इन प्रोडक्ट्स का डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप चाहके इसका डिटेल रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो ये है इन प्रोडक्ट को लेना शुरू करने का तरीका। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले इसका एक कैप्सूल इवनिंग में लीजिए, एक दिन छोड़ के एक दो वीक ऐसे ही लीजिए, उसके बाद आप इसका एक कैप्सूल डेली लेना शुरू कर दीजिए, अगेन एक से दो वीक तक, और उसके बाद अगर वो सब कुछ आपके लिए सही रहता है, इससे आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बाद आप दो कैप्सूल ले सकते हैं, एक इसका और एक इसका, और आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को खाली पेट मॉर्निंग में भी लेना शुरू कर सकते हैं दो से तीन वीक के बाद। खाली पेट अगर आप इन्हें लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को खाली पेट मॉर्निंग में लेती हूँ। अब आपको कैसे लेना है, क्या आपको सावधानी बरतनी है, इन प्रोडक्ट्स को आपको एक बार में सिर्फ तीन महीने लेना है, सिर्फ तीन महीने। हो सकता है स्टार्टिंग के तीन महीने में आपको इसके कोई रिजल्ट नहीं मिले। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि दी दो महीने हो गए लेते हुए कुछ नहीं हो रहा है। दो से तीन महीने में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये ग्लूटाथायोन बिल्डर है, तो पहले आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्लूटाथायोन बनाएगी, और ग्लूटाथायोन सबसे पहले आपकी जो इंटरनल लेयर है ना स्किन की, उससे काम करना शुरू करता है, और फिर जाके धीरे 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 आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे आपकी स्किन पे। तो प्लीज बी पेशेंट। तो सबसे पहले आपको इन्हें सिर्फ तीन महीने लेना है, उसके बाद आपको कम से कम भी 20 दिन का गैप लेना है। आपको ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट एक ही बार में एक साल तक नहीं लेना है, उससे हो सकता है आपको किसी टाइप का नुकसान हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैं सिर्फ तीन महीने इन प्रोडक्ट्स को एक बार में लेती हूँ, उसके बाद मैं एक महीने का गैप लेती हूँ, और उसके बाद फिर से आप इन्हें लेना कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ग्लूटाथायोन लेंगे तो आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में आप इन प्रोडक्ट्स को लीजिए, और उसके बाद अगर आप ग्लूटाथायोन की डोज को बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे जो सेकंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा वो मुझे लगा ला ऑर्गेनो का एल ग्लूटाथायोन, इस टाइप के टैबलेट, ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ये एक्चुअली मेरा थर्ड बॉक्स अभी चल रहा है, इसमें आपको 60 कैप्सूल मिलते हैं, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एक्चुअली 20% ऑफ भी मिल जाएगा। एक बार मैंने इस ब्रांड के साथ काम किया था, तब से वो कूपन कोड मेरे पास है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो कूपन कोड अभी भी चल रहा है। मैंने करीब 2 साल पहले ला ऑर्गेनो के साथ काम किया था। तो ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कूपन कोड है, तो आप 20% का फायदा इस प्रोडक्ट पे उठा सकते हैं आप चाहें तो। तो ये हो गए ग्लूटाथायोन। अगर आप 18+ है तभी आप ये सप्लीमेंट लेना कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 18 से कम है, स्टिल आपको लगता है कि आपको ग्लूटाथायोन की जरूरत है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप एक्सटर्नली अपनी स्किन पे काम कीजिए, ना कि किसी सप्लीमेंट के थ्रू। ला ऑर्गेनो की जो ग्लूटाथायोन रेंज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये मेरी सेकेंड ट्यूब है, इसमें आपको जेल मिलता है, ये ग्लूटाथायोन जेल है। इसमें आपको एलोवेरा, विटामिन सी, अल्फा आर्बुटिन एंड टर्मरिक मिल रही है। तो ये बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको क्या करना है, इवनिंग में एक बार अपने फेस को क्लीन करने के बाद इसकी एक लेयर लगा लीजिए इस जेल की, और अपने फेस को 10 मिनट बाद वॉश कर दीजिए। आपको क्या करना है, इस जेल को मास्क की तरह अप्लाई करना है डेली बेसिस पे, और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहे तो इस जेल को अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहे तो इनकी ये विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको विटामिन ई, कोजिक एसिड एंड ग्लूटाथायोन मिल रहा है। ये मेरी थर्ड बॉटल है एक्चुअली, क्योंकि ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आप 18 से कम हैं
तो आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 18 से ज्यादा हैं, आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, तो आप सप्लीमेंट और ये प्रोडक्ट स्किन केयर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मैं पर्सनली ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ अपने फेस पे ही नहीं, मैं अपने बॉडी पार्ट पे भी ये यूज करती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन को भी नरिशमेंट की और पैम्परिंग की जरूरत है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय।